जय माता दी जय माँ का मख्या खंडित आसन पर नहीं बैठना चाहिए यदि आसन जब तप कर रहे हो तो यदि आसन में छेद हो जाए आसन कहीं से कट जाए कहीं से फट जाए चूहे काट जाए या कुश का आसन और कुश के, के आसन के अंदर की कुशा बहुत सी जगह से निकल जाए तो ऐसे आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा करते समय कोई भी फटा पुराना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है इसी प्रकार से आसन भी जो है खंडित आसन का प्रयोग न करें और कोशिश की जाए जब भी पूजा करें तो शांत भाव से करें इसके लिए आपको लाल आसन का प्रयोग कर सके तो करें काले आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए गुलाबी कलर का आसन का प्रयोग कर ले परंतु काले कलर का आसन प्रयोग नहीं करें कंबल का आसन हो तो सबसे उत्तम माना जाता है कुश का आसन माना जाता है जुट का आसन अच्छा माना जाता है जय माता दी जय माँ मखिया माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे स्वस्थ रखे प्रसन्न रखे